किसानों की सहूलियत के लिए हरियाणा सरकार ने गेहूं की एचडी 2967 किस्म के प्रमाणित बीज पर सब्सिडी की समस्या सीमा को रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोरोना काल से उबारने के लिए शासन ने कार्ड धारकों को गेहूं और चावल के साथ साथ मक्का भी सस्ती दरों पर वितरित करने के निर्देश जारी किए हैं। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन में पंजाब के किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच पंजाब के किसानों को एमएसपी पर धान खरीद में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। पूरे देश की कुल खरीद में 43% हिस्सेदारी अकेले पंजाब की ही है। हरियाणा के जींद में साल के अंत में बीते साल की अपेक्षा किसानों को भाव कपास धान 1121 के अधिक मिल रहे हैं। नए साल में भी किसानों को भाव बढ़ने की उम्मीद है। किसानों से धान की खरीद करने में इस बार मैनपुरी अव्वल साबित हुआ है। 3500 मैट्रिक टन धान की खरीद मैनपुरी को करनी थी, लेकिन मैनपुरी ने 9715.15 मैट्रिक टन धान की खरीद करने का रिकॉर्ड बनाया है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। यह रोक 1 जनवरी 2021 से हट जाएगी। इस खबर के बाद से ही प्याज के रेट्स में उछाल देखने को मिला है। देश की राजधानी की बात करें तो यहां प्याज की खुदरा कीमतों में 25-42% तक का इजाफा देखने को मिला था। सोमवार को प्याज की कीमत 35-40 रुपए प्रति किलो थी, जो बुधवार को बढ़कर 50 रुपए प्रति किलो हो गई। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार के समय पर किए गए हस्तक्षेप के अच्छे नतीजे मिले हैं। इससे अखिल भारतीय स्तर पर प्याज की औसत खुदरा कीमत इस साल 60% घटकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौसम ने यूं ही साथ दिया तो उत्तर प्रदेश में इस सीजन में आलू की रिकॉर्ड पैदावार होने की संभावना है। इसके चलते आलू की कीमतें कम रहने और भंडारण की समस्या गहराने का डर किसानों को सता रहा है। केंद्र सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि अगर एमएसपी की बात करें तो पिछले 10 साल में कुछ फसलों की एमएसपी 2.5 से 3 गुना तक बढ़ी है। नए साल के पहले दिन ही दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिला है। सुबह से ही दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण धुंध है और विजिबिलिटी घट गई है। उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में आज घना कोहरा छाया रहा और कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया।